नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटोटोशन। तो मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करने वाले हैं टाटा एल्ट्रोज सीएनजी के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अच्छी और कुछ निराश कर देने वाली बातें टाटा एल्ट्रोज सीएनजी की। तो अगर आप भी ये गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी ऐसा पॉइंट निकल आए कि आपको गाड़ी खरीदने में हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कुछ अच्छी बातों से। तो अगर आप भी एक ऐसी सीएनजी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो कि आपको परफॉर्मेंस, फीचर्स, सेफ्टी और बूट स्पेस में निराश ना करे, तो टाटा एल्ट्रोज आपके लिए एक अच्छी गाड़ी है। तो टाटा एल्ट्रोज जो है वो एक हैचबैक है अपने सेगमेंट में। ये ग्लांजा, बलिनो जैसी गाड़ियों को ये कम्पीट करती है और इसकी काफ़ी अच्छी एडवांटेजेस भी हैं ओवर दी राइवल्स, और उसके अलावा कुछ कमियाँ भी हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहली एडवांटेज से, तो इसमें हमें 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 73 पीएस की पावर हमें जनरेट करके देता है और 103 एनएम का टॉर्क देता है, जो कि एक वेल कैलिब्रेटेड इंजन है और हमें काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग प्रोवाइड करता है सीएनजी में। और अगर हम बात करें अगले पॉजिटिव की, तो दोस्तों इसमें हमें ट्विन सीएनजी सिलेंडर का सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि लगेज कारपेट के बिलो हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो बूट स्पेस है वो हमें काफ़ी देखने को मिल जाता है। हम अपना लगेज रख सकते हैं और बड़े ही इजीली हम ट्रिप पे जा सकते हैं, और ये जो ऑप्शन है हमें किसी और ब्रांड की गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। एक बड़ा सा टैंक देखने को मिलता है जिसकी वजह से सारा बूट स्पेस जो है वो घिर जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं और पॉजिटिव की बात करूँ, तो इस गाड़ी के जो सस्पेंशंस हैं उनको ट्यून किया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से, जो कि एक्स्ट्रा सीएनजी सिलेंडर्स का जो वेट है उनको कैरी करती है ये गाड़ी। उसके बावजूद ये गाड़ी आपको जो ड्राइविंग है उसमें आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। ड्राइविंग काफ़ी स्मूथ रहने वाली है और जो स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी लाइट रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू अदर सीएनजी व्हीकल्स। दोस्तों अगला पॉजिटिव, जैसे कि ये 5-स्टार रेटेड गाड़ी है तो ये कम्बिनेशन आपको कहीं और नहीं देखने में मिलने वाला है। सीएनजी प्लस गुड माइलेज प्लस अच्छी सेफ्टी और साथ में आपको बूट स्पेस, तो 5-स्टार रेटेड गाड़ी में आपको ये सब देखने को मिल रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ और एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर भी हमें मिल जाते हैं सीएनजी मॉडल में, जो कि आप सबको नहीं पता होगा। इस गाड़ी में हमें माइक्रो स्विच, थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन और लीक डिटेक्शन सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जो कि लीकेज हो तो आपको वार्निंग दे देता है। तो ऐसे फीचर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं, बाकी सीएनजी ऑप्शंस में आपको नहीं मिलते। तो ये इस गाड़ी के थे कुछ अच्छी बातें। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ निराश कर देने वाली बातें क्या है इस गाड़ी की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ स्किप ना करें। दोस्तों हमने देखा कि हम पूरी कोशिश और मेहनत के साथ आपके लिए हर लेटेस्ट गाड़ी का रिव्यू लेके आते हैं, लेकिन जब हमने देखा कि 97% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। आपके लिए सिर्फ 2-3 सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो दोस्तों, जैसे कि ये सीएनजी मॉडल है इस गाड़ी का, तो हमें पेट्रोल वेरियंट में तो 88 पीएस की पावर देखने को मिल जाती है, लेकिन सीएनजी वेरिएंट में हमें 73 पीएस की पावर हमें देखने को मिलती है। और टॉर्क भी अगर कहीं की बात करें तो वो भी हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से अगर आप ये गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ओवरटेक करना है, आपको एकदम से अच्छी पावर चाहिए, पिकअप चाहिए, तो वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है। आपको ओवरटेक करने से पहले थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसे केस में जो लोग एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, जिनको एक अच्छी पावर चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी निराशा वाली बात है। अगली कमी की बात करूँ दोस्तों, अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप टॉप एंड वेरिएंट खरीदें, तो यहाँ पे भी आप जो है सीएनजी वेरिएंट नहीं ले सकते, क्योंकि एल्ट्रोज में सीएनजी आपको सिर्फ एग्जेट प्लस वेरिएंट में ही देखने को मिलने वाली है। आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो स्पेंड है वो करना ही पड़ेगा अगर आप बेस वेरिएंट, अपर वेरिएंट में जाना चाहते हैं, जो कि ज़्यादातर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है आप ये गाड़ी खरीद नहीं सकते। और अब मैं बात कर लूँ कुछ ऐसे लोगों की जो कि मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जिनको एक ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना पसंद है, जो कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना चाहते हैं, लेडी ड्राइवर्स जो कि प्रेफर करती हैं ऑटोमेटिक गाड़ी, तो यहाँ पे एल्ट्रोज में आपको सीएनजी में ऑटोमेटिक ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। 50% यूज़र्स जो हैं जो आज के टाइम में ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एल्ट्रोज में ऑटोमेटिक ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें, तो सीएनजी का मॉडल अगर आप लेते हैं एल्ट्रोज का, तो आपको रेगुलर मेंटेनेंस की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे आपको जल्दी आपको चेकअप करवाने पड़ेंगे, पीरियोडिक सर्विसिंग होगी इसकी, और इंजन ऑयल और फिल्टर जो है वो जल्दी चेंज किए जाएंगे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो आपकी यहाँ थोड़ी हाई होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप
ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे सीएनजी पंप्स नहीं है, या फिर ज़्यादातर सिटीज़ में ऐसा है कि एक ही सीएनजी पंप होता है, जो छोटी सिटीज़ होती है और जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी लाइनें लगती है, तो ये भी एक परेशानी वाली बात है। अगर आप सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों टाटा एल्ट्रोज सीएनजी एक काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी बेहतरीन स्टेप जो है टाटा ने आगे बढ़ाया है सीएनजी की तरफ और जो पोल्यूशन कम करने की तरफ। तो अगर आपके लिए ये रिक्वायरमेंट मीट करती है तो एल्ट्रोज आपके लिए काफ़ी बेहतरीन गाड़ी हो सकती है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।